Mr. Deshmukh, how are you? Fine. Good to see you here. Come. Thank you. Good to see you. Thank you. Excuse me. This is my daughter-in-law, Purvi Deshmukh. Congratulations. Thank you. And this is my friend. इनके एक भाई सिंगापुर में है, एक साउथ अफ्रीका में. All hoteliers. Harshan Bharat. Pleasure having you here. Thank you. Please come. Yeah. You okay? थक गई हो? कुछ ही कैस्ट ऑन. बस एक बार हम सबसे मिल लें, then you're free to go. Come with me. Hello. I hope you're enjoying yourself. Good. Please make yourself comfortable, Archa. तुम्हारा अपना ही घर है. अब तो तुम धमधम बन गई हो. हाँ सर, बिल्कुल चिंता मत कीजिए. मैं एकदम ठीक हूँ. लेकिन सर, एक बात कहूँ? बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत अच्छी. सर, इतने कम वक्त में आपने सब लोगों को बुला लिया. अर्चना, आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, इसलिए इतनी सजावट तो बनती है. मैंने बुलाया तो नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग चले आए जब उन्होंने सुना कि अर्जुन की शादी का माहौल है. हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बुलाना चाहता था, लेकिन शायद वो लोग आएंगे ही नहीं. सर, मैं जानती हूँ आप मानव की बात कर रहे हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि मानव आपके लिए बिजनेस पार्टनर से भी कहीं ज्यादा बढ़कर है. लेकिन आप समझ सकते हैं, एक तरफ पूर्वी है और एक तरफ ओवी, और मानव का ओवी के साथ रहना ज्यादा जरूरी है. बस मैं इतना चाहती थी कि अगर मानव कन्यादान करने आ जाते, क्योंकि सर आप जानते हैं ना, पूर्वी मानव को अपने बाबा मानती है, वो आ जाते तो बहुत ही अच्छा होता. आज पार्टी इतनी अच्छी है, खाना पीना भी तो अच्छा होगा ना यहाँ पे. चुप कर, डेकोरेशन देख कितना. एक्सक्यूज मी. अरे वाह, देखो आ गया. एक मिनट रुको. अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? तो आज की एक मिनट बस कर. सुनो, ऐसा करो, तुम एक बाउल ले आओ. जा. हाँ, तुम भी. हाँ, घर से खाना खिला कर ले आई थी ना, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे. अरे अच्छी, देखो ना इतना टेम्पटिंग है, तुम भी टेस्ट करो ना. नहीं नहीं नहीं, बस. ये क्या, इतनी छोटी सी. चलो कोई नहीं, रुको. बस थैंक यू. अनिकेत, शर्माने की जरूरत नहीं है. Eat properly. अरे वाह, थैंक यू. एक्चुअली यू नो व्हाट, पार्टी इज रियली गुड. इन फैक्ट फूड इज आल्सो वेरी गुड. हेलो, थैंक यू. इनसे मिलिए, ये है अर्चना, ये पूर्वी की माँ है. नमस्ते. और ये है सुलोचना जी, पूर्वी की आजी. मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि ये बच्ची इन दोनों देवियों के बीच पली बड़ी है. अगर ये लोग नहीं होते तो शायद ये बच्ची इतनी होनहार नहीं होती. इसको अपने घर की बहू बना के मुझे लगता है मेरा घर स्वर्ग से कम नहीं होगा. थैंक्स टू दीज टू वुमेन. अरे देखो ना, कितना स्वर्ग जैसा लग रहा है ना, इतना सुंदर सजाया. पूर्वी बहुत लकी है. हाँ, काश पुन्नी को भी ऐसा घर मिल जाए, है ना. लेकिन तुम भी ना घाट पे हाथ धर के खड़े हो. अरे, मौके का फायदा उठाने नहीं सीखोगे क्या कभी? देखो ना, कितनी बड़ी पार्टी है, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हैं. किसी से भी अपने जॉब को लेकर बात कर लो, क्या पता तुम्हें. मंजू, तुम्हें पता भी है कहाँ पर क्या बात करनी चाहिए? जब देखो. अरे विनोद, मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? ओवी, मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है. उस दिन भी शेरवन के लिए मैंने तुम्हें मैचवाते से मिलवाया था ना. लेकिन उसका कोई फायदा तो नहीं हुआ ना, और तुमने तो कहा था तुम्हारी ये चाल जरूर कामयाब होगी, तो क्या हुआ? हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मुझे क्या पता था. तुम्हें पता है ना, अर्चवाते को हमेशा से उनका परिवार ही चाहिए था. उन्हीं के बारे में पुजैसिव थी, क्या पता था कि. अब मुझे पता लग गया कि उनके लिए सिर्फ
सिर्फ पूर्वी ही इम्पोर्टेंट है, पूर्वी। मैंने तो ये चाल पूर्वी पे भी आजमाई थी, बट अगेन इट डिडंट वर्क। क्या मतलब मैं पूर्वी से मिलने गई थी। ओवी का अर्जुन, ओवी को वापस दे दो। ताकि वो तेरे अर्जुन को इतने आसानी से नहीं छोड़ेगी। ओवी अगर पूर्वी ने भी मना कर दिया तो I'm sorry, मुझे नहीं लगता कि आप कुछ हो सकता है। Don't you dare say that, okay? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये शादी किसी हाल में नहीं होने दूंगी। मेरी प्यारी बहनिया, वाह क्या आवाज है, बनेगी। तू गा रहा है? हाँ। किस खुशी में? अपनी बहन की शादी की खुशी में? हाँ वो तो है, लेकिन आजी एक स्पेशल वजह भी है जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। कौन सी स्पेशल वजह? आजी आपने सारे गामा पा का नाम सुना है? सारे गामा पा पता है? हाँ? हाँ, उसके ऑडिशन है 2 सितंबर रविवार से। ये एड्रेस क्या था? हाँ, रायन इंटरनेशनल स्कूल, एवरशाइन नगर, मलाट वेस्ट। मैं वहाँ जा रहा हूँ ऑडिशन देने। तू वहाँ जाएगा? हाँ, वो आप जानती है ना कि मेरा और संगीत का बहुत पुराना संबंध है, कनेक्शन। अरे तेरा खाने के साथ कनेक्शन तो मैं जानती थी, लेकिन ये गाने के साथ कनेक्शन कब से? अरे क्या कर रही हो सबके सामने आप? मजाक कर रही थी, तू जा। और वैसे भी जिनको संगीत में रुचि है, जिनके पास गाने का हुनर है, उनके लिए सारे गमा पा से बढ़कर प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली, तू जा। नहीं, तू गा। सारे गमा पा, सारे गमा पा। वाला मिस्टर नवाज, That's Purvi. Manav. Ani. Saubhagyavati bhava. Sada sukhi. Congrats, mate. बेटी की शादी बहुत मुबारक हो। आई, मुझे माफ कर दे। हाँ, मैं अभी आती हूँ। उर्वी, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है इस तरह? मुझे पता है तू क्यों रो रही है। तुझे यही लग रहा है ना कि तेरी शादी हो जाएगी, फिर मैं एकदम अकेली हो जाऊंगी। ऐसा नहीं होगा कपूर। देख पूर, भले से तो इस घर से चली जाए, तो इस घर की बेटी थी और हमेशा रहेगी। और फिर ये तो रिवाज होता है ना पूर्वी, कि लड़की को शादी करके उसके घर जाना ही होता है, और तू भी जा रही। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम तुझे भूल जाएंगे या तू हमें भूल जाएगी। और तुझे पता है इससे क्या होगा? इससे तेरे और मेरे बीच का रिश्ता और मजबूत होगा। समझी?
रोना बंद कर। मासी वो डीके सर और जीजा जी आप लोगों को बुला रहे हैं। हाँ हम लोग आ रहे हैं। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। चल पूर्वी, क्यों क्या? तुम दोनों इसी तरह हमेशा खुश रहो। थैंक यू आंटी। बाबा बंधु, सुखी रहो। और जिंदगी भर इसी तरह हंसते रहो। थैंक यू आजुबा, आप मेरे लिए यहाँ आए। अरे पूर्वी बेटा, ये फॉर्मेलिटी क्यों? मैं मेरी पोती की शादी की पार्टी में आया हूँ। यहाँ आना मेरा फर्ज बनता है और हक भी। Excuse me, ladies and gentlemen. I have to make an announcement. ये पार्टी मैंने खास तौर पे अपने बेटे अर्जुन और इस प्यारी सी बच्ची पूर्वी के लिए रखी है। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि ये बच्ची मेरी बहू होने वाली है। जब से इन लोगों को मोहब्बत हुई और तब से और आज तक उसकी स्ट्रगल को मैंने बहुत करीब से देखा है। And I think they both deserve each other. So let's give them a big hand. And I'm very proud to have you as part of my family, Archana. Thank you. अच्छी तरह पूरी को गले लगा लो, क्योंकि इसके बाद तो ये हमारी फैमिली में आने वाली है। Okay, a lot of emotions. Let's break the mood. Let's have some fun. Everybody, get set to dance. So how about इस प्यारी सी बच्ची मेरी होने वाली बहू पूर्वी के साथ मैं आए, टेक हर आउट फॉर अ डांस प्लीज। प्लीज गो गो। हमारी पूर्वी, हमारी पूर्वी कितनी खुश लग रही है ना आज। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। हाँ अर्जुन, तूने अपनी ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है बेटा। आपको पता है आंटी, मैंने डैड को इतना खुश आज से पहले कभी नहीं देखा। He's really happy. Thanks to you. पूर्वी का हाथ मेरे हाथ में देने के लिए, आप नहीं जानती, आपने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी। थैंक यू सो मच। का अर्जुन, ओवी को वापस दे दो और अर्जुन की लाइफ से हमेशा के लिए चले जाओ। दिल क्यों ये मेरा शोर करे, दिल क्यों ये। मैं चाहती हूँ कि अर्चना आंटी को आई होने के सारे हक और वो सारे सम्मान मिले जो वो डिजर्व करती हैं। उधर नहीं तेरी ओर चले, क्या हो गया? काफी डिस्टर्ब लग रही है।
अर्जुन, ये पल कितना खूबसूरत है ना, पता है मैंने अपनी जिंदगी में कभी ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया, लेकिन मुझे फिर भी बहुत कुछ मिला। अर्जुन, मुझे तुम मिले। अर्जुन, इस पल को मैं अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बनाना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ, एंजॉय करना चाहती हूँ, ताकि आगे चल के अगर कभी मैं थक जाऊँ ना, तो ये यादें मुझे हिम्मत दे। अर्जुन, तुम मेरी जिंदगी में आए, मेरे साथ रहे हमेशा। अर्जुन, तुम्हारा मेरे पास होना बहुत मैटर करता है, और तुम्हारे इसी प्यार के सहारे मैं पूरी जिंदगी गुजार लूंगी। I love you। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं और हमेशा करती रहूंगी। दिल क्यों ये मेरा शोर करे, दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले। अच्छा वहीन, अब हम चलते हैं। बंधु, तुम लोग आए, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। पर एक बात कहूँ, तेरे और बाबा के आने से कम मुझे ये लग रहा है कि मैंने जो फैसला लिया वो सही लिया। अर्जुन और पूर्वी की शादी कराना, ये शायद एक सही फैसला। मुझे बस इतना ही है कि मानव आ जाते तो पर तुम लोग आए, मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ये क्या अर्चना बेटा, एक पल में हमें अपना कहती हो और दूसरे पल में हमें थैंक यू बोल के पराया कर देती हो। नहीं बाबा, मैं नहीं जानती कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन हाँ, आप हमेशा से मेरे लिए हमारे परिवार का हिस्सा थी और हमेशा रहेंगी। बंधु, चाहे मैं शरीर से भले ही तुम लोगों से अलग हो जाऊं, लेकिन मेरा मन हमेशा तुम लोगों के साथ होगा, हमेशा। बस अब डिवोर्स हो जाएगा और अरे ऐसे नौबत ही नहीं आएगी, तुम्हारा डिवोर्स ही नहीं होगा और तुम हमारे परिवार से अलग भी नहीं हो जाओगी। अरे खुद बापा की इच्छा है कि तुम्हारा डिवोर्स ना हो, इसलिए तो 10 दिन की मोहलत दी है ना तुम्हें। तुम्हें याद है अर्चना, मैंने मानव के साथ तुम्हें गणपति पापा की मूर्ति भेजी थी। अर्चना, ये बाबा ने तुम्हारे लिए दी है। हाँ बाबा, याद है। वो बापा की मूर्ति मैंने तेरे पास इसलिए भेजी कि वो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा हर संकट दूर करे। अर्चना, कहते हैं कि ये दुनिया एक रंगमंच है और हमारी जिंदगी एक नाटक है, और उस नाटक का स्क्रिप्ट खुद बापा लिखते हैं। वही तय करते हैं कि हमारी किस्मत कैसी हो और हमारी जिंदगी में कैसे उतार चढ़ाव हो। हाँ, लेकिन इस नाटक का पर्दा कब और कैसे गिराना है, यह सिर्फ उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। आज भले ही तुम्हें उनसे शिकायत हो, लेकिन देखना, कल तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा ट्विस्ट आएगा
तुम्हारी सारी जिंदगी बदल जाएगी। बेटा नहीं, रोते नहीं है, आंसू पोंछ ले। अपनी बेटी के सामने ऐसी रोती सूरत लेके जाएगी तू? देख उसे खुशी खुशी हंस के विदा करना है तुम्हें, समझी ना।